प्लांट एनाटॉमी का नेक्स्ट लेक्चर है परमानेंट टिश्यूज कॉलन काइमा या स्थायी उत्तक स्थूल कोण उत्तक। तो कॉलन काइमा या स्थूल कोण उत्तक के बारे में हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे, जो कि क्या है, एक स्थायी उत्तक है या एक परमानेंट टिश्यू है। तो इसको अपने शुरू करते हैं। सबसे पहले जनरल इंट्रोडक्शन या सामान्य परिचय की बात कर लेते हैं। तो कॉलन काइमा जो शब्द है ये ग्रीक भाषा से लिया गया है, और ग्रीक भाषा में दो शब्द होते हैं जिनके मिलने से कॉलन काइमा शब्द बना है। तो ये दो शब्द कौन कौन से हैं। सबसे पहला है कोला। कोला का अर्थ होता है ग्लू, है ना, या इसको हिंदी में क्या बोल देते हैं, गोंद। तो ये गोंद के समान पदार्थ होता है या ग्लू लाइक सब्सटेंस होता है, ठीक है। दूसरा वर्ड है एनकाइमा। एनकाइमा का मतलब क्या होता है, डिपोजिशन या जमाव, ठीक है। तो ग्लू या गोंद के समान जो पदार्थ होता है उसका जमाव होता है। अब ये जमाव कहाँ पर होता है वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो ग्लू है या ये जो गोंद है, ये केमिकली ये किस नेचर का होता है या रासायनिक रूप से ये किस प्रकृति का होता है। तो ये जो गोंद या ग्लू है ये पेक्टिन का बना होता है, ठीक है। अब पेक्टिन का जो डिपोजिशन है या जमाव है ये कोशिका के अंदर नहीं होता है, ठीक है। सेल के अंदर इसका डिपोजिशन या जमाव नहीं होगा, बल्कि कहाँ पे होगा, अंतराकोशिकीय अवकाशों में, इंटरसेलुलर जो स्पेसेस होते हैं, जो कोशिकाओं के बीच की जगह होती है या सेल्स के बीच का जो स्पेस होता है, वहाँ पे पैक्टिन का डिपोजिशन या जमाव होता है, ठीक है। इससे होता क्या है, अभी जो प्रोटोप्लाज्म है वो कंजर्व्ड रहता है या जीव द्रव्य संरक्षित रहता है। इसका मतलब जो कोशिका है वो जीवित रहेगी, उसकी डेथ नहीं होगी, ठीक है। तो कोशिकाओं की मृत्यु नहीं होती है या सेल्स की डेथ नहीं होती है, और सेल्स हमेशा क्या होती हैं, लिविंग होती हैं। तो इसका मतलब जो कॉलन काइमा है ये कैसा है, अभी एक लिविंग टिश्यू है या जीवित उत्तक है। अब ये कहाँ पे पाया जाता है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ये केवल द्विबीजपत्री पौधों के अंदर ही पाया जाता है, केवल डाइकोट प्लांट्स में ही ये देखने को मिलता है, ठीक है। और डाइकोट्स में ये किस रूप में पाया जाता है, हाइपोडर्मिस के रूप में पाया जाता है, एपिडर्मिस के ठीक नीचे की तरफ हाइपोडर्मिस पाई जाती है, और वो हाइपोडर्मिस किसकी बनी होती है, कॉलन काइमा की बनी होती है, किसमें, डाइकोट्स या द्विबीजपत्री पौधों के अंदर। अब जो मोनोकोट प्लांट्स होते हैं या एक बीजपत्री पौधे होते हैं उनके अंदर ये एब्सेंट होता है या इसका पूर्णतया अभाव होता है। तो कॉलन काइमा आपको मोनोकोट्स में या एक बीजपत्री पौधों में कभी भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अब जो पेक्टिन होता है उसकी प्रकृति क्या होती है, अभी जब पेक्टिन वाटर के कंटेक्ट में आता है या जल के संपर्क में आता है तो पेक्टिन क्या करता है, इस वाटर को या इस जल को अवशोषित कर लेता है या एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। इस वजह से ये क्या करता है, जो एरियल पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के या जो वायवीय भाग होते हैं उनको ये लचीलापन प्रदान करता है, ठीक है, या टेंसाइल स्ट्रेंथ या तनन सामर्थ्य प्रदान करता है, ठीक है। इसी कारण जो ट्रीज होते हैं या वृक्ष होते हैं, ठीक है, कितनी भी तेज हवा चल जाए, है ना, हवा के कितने भी तेज झोंके आ जाएं, तो वृक्ष जो है वो टूटता नहीं है। तो वृक्ष क्या करते हैं, अभी झूलते हैं, वृक्ष की जो टहनियां हैं या ट्री की जो ट्विग्स होती हैं वो इधर उधर झूलती रहती हैं, वो टूटती नहीं है आसानी से। लेकिन अगर जो विंड फ्लो है वो बहुत ज़्यादा तेज हो, अगर हवा का बहाव बहुत ही अधिक होता है, तो जो ट्री है या वृक्ष है उसका सेंटर ऑफ मास, ठीक है, वो हिल जाता है, और सेंटर ऑफ मास अगर हिल गया तो जो वृक्ष है, ठीक है, उसका जो तना है वो बीच में से टूट जाता है, ठीक है। ये कब होता है, जब हवा का बहाव बहुत ही तेज होता है, यानी कि आंधी तूफान के केस में इस प्रकार की कंडीशन हो सकती है। लेकिन ज़्यादातर जो ट्री है या वृक्ष है वो हवा के झोंके से या विंड फ्लो से टूटता नहीं है, किस वजह से, कॉलन काइमा या स्थूल कोण उत्तक की वजह से। अब द्विबीजपत्री पौधों के अंदर या डाइकोट प्लांट्स के अंदर जो स्थूल कोण उत्तक है या कॉलन काइमा है वो कहां पर पाया जाता है, केवल और केवल एरियल पार्ट्स में ही पाया जाता है, केवल जो वायवीय भाग होते हैं पौधे के, यानी जो तना है, है ना, और उसकी शाखाएं हो जाएंगी, स्टेम और उसकी ब्रांचेस, और इसके अलावा पत्तियां या लीव्स जो होती हैं, ठीक है, उनके अंदर ये जो कॉलन काइमा या स्थूल कोण उत्तक है ये हाइपोडर्मिस के रूप में पाया जाता है, ठीक है। एपिडर्मिस के ठीक नीचे जो हाइपोडर्मिस होती है उसके रूप में स्थूल कोण उत्तक या कॉलन काइमा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब स्थूल कोण उत्तक करता क्या है, अभी इसका
फंक्शन क्या है? तो ये जो कोलेनकाइमा है ये द्विबीजपत्री पौधों को या डाइकोट प्लांट्स जो होते हैं उनको क्या करता है, अभी तनन सामर्थ्य प्रदान करता है, यानी कि टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसीलिए अगर हम लोग किसी द्विबीजपत्री पौधे से या डाइकोट प्लांट से उसकी कोई टहनी या ट्विग को तोड़ लेते हैं और फिर उसको हम लोग मोड़ कर, है ना, उसको बेंट करके तोड़ने की कोशिश करते हैं या प्रयास करते हैं, तो उससे टहनी जो है वो आसानी से टूटती नहीं है, ठीक है, बल्कि वो मुड़ जाती है। तो उसके अंदर जो मुड़ाव आ रहा है या जो बेंट हो रही है टहनी जो है या ट्विग है, वो किस वजह से हो रही है? इस कोलेनकाइमा या स्थूलकोण उत्तक की वजह से। ठीक है, तो ये जो लचीलापन या तनन सामर्थ्य है ये किसके द्वारा दिया जाता है? स्थूलकोण उत्तक या कोलेनकाइमा के द्वारा दिया जाता है। अगर हम मोनोकोट प्लांट्स की बात करें या एकबीजपत्री पौधों की बात करें, तो उनमें मैंने आपको बताया था कि स्थूलकोण उत्तक या कोलेनकाइमा नहीं होता है, उनके अंदर एब्सेंट होता है या उसका पूर्णतया अभाव होता है। तो अगर स्थूलकोण उत्तक नहीं है, कोलेनकाइमा नहीं है, तो इसका मतलब इनमें तनन सामर्थ्य नहीं होगी। ठीक है, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है इनके अंदर नहीं होती है, और शायद, है ना, यही कारण है कि जो एकबीजपत्री पौधे होते हैं या मोनोकोट प्लांट्स होते हैं वो वृक्ष नहीं बन पाते हैं। ठीक है, ट्रीज नहीं बन पाते हैं। तो ज्यादातर जो एकबीजपत्री पौधे हैं या मोस्ट ऑफ द जो मोनोकोट प्लांट्स हैं वो कैसे होते हैं? हर्ब्स होते हैं या शाकीय पौधे होते हैं जिनकी ऊंचाई कुछ फीट तक, लगभग 1 या 2 फीट तक ही मैक्सिमम जा पाती है। जैसे गेहूं है, है ना, जैसे ज्वार है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 फीट 6 फीट तक चला जाएगा या 7 फीट तक चला जाएगा, इससे ज़्यादा इनकी ऊंचाई नहीं होती। ठीक है, क्योंकि अगर एकबीजपत्री पौधे या मोनोकोट प्लांट्स वृक्ष बन जाते या ट्रीज बन जाते तो इनमें तनन सामर्थ्य या टेंसाइल स्ट्रेंथ तो है नहीं, क्योंकि इनमें स्थूलकोण उत्तक या कोलेनकाइमा नहीं होता है। तो अगर एकबीजपत्री पौधे या मोनोकोट प्लांट्स ट्रीज बन जाते तो वो आसानी से टूट सकते थे। किसके द्वारा? हवा के बहाव के द्वारा, या फास्ट जो विंड फ्लो होता है या तेज हवा का बहाव जो होता है उसकी वजह से ये जो वृक्ष थे या ट्रीज थे वो आसानी से टूट जाते। इसीलिए जो मोनोकोट प्लांट्स थे या एकबीजपत्री पौधे थे वो वृक्ष नहीं बने। ठीक है, तो ये भी एक कारण जो है वो माना जा सकता है। लेकिन कुछ एकबीजपत्री पौधे, कुछ मोनोकोट प्लांट्स ऐसे हैं जो वृक्ष बन गए, है ना, जो ट्रीज बन गए। ऐसे मोनोकोट प्लांट्स या ऐसे एकबीजपत्री पौधे जो ट्रीज बन गए या वृक्ष बन गए, उनमें क्या होता है, भी जो तने का निचला भाग होता है या लोअर पार्ट होता है स्टेम का, वहाँ पर क्या होता है, असामान्य द्वितीयक वृद्धि हो जाती है या एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है। तो सेकेंडरी ग्रोथ होने की वजह से क्या होता है, भाई जो तना है वो काफ़ी मोटा हो जाता है या उसकी थिकनेस जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है। और शीर्ष भाग की बात करते हैं, अगर अपने एपिकल पार्ट की बात करें, तो वहाँ पर क्या होता है, बड़े आकार की, लार्ज साइज की कटी फटी पत्तियां पाई जाती हैं, या हम कह सकते हैं डाइसेक्टेड लीव्स पाई जाती हैं, है ना। ये डाइसेक्टेड लीव्स या कटी फटी पत्तियां क्या करती हैं, भी शीर्ष भाग को, जो एपिकल पार्ट होता है वृक्ष का या ट्री का, उसको हवा के तेज बहाव में टूटने से बचाती हैं, है ना। अगर बहुत फास्ट विंड फ्लो हो रहा हो तो उसको टूटने से बचाती हैं, कौन? लार्ज साइज डाइसेक्टेड लीव्स, बड़े आकार की कटी फटी जो पत्तियां होती हैं। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से पौधे हैं मोनोकोट्स जो वृक्ष बन गए, या एकबीजपत्री पौधे कौन से हैं जो वृक्ष बन गए? जैसे आपने नारियल का नाम सुना होगा, कोकोनट, है ना। कोकोनट क्या होता है, एकबीजपत्री पौधा है लेकिन वो वृक्ष है। उसी तरह से आपने नाम सुना होगा खजूर, डेट पाम बोल देते हैं इसको, है ना, तो वो भी क्या है, ट्री है या वृक्ष है। तो ये 2 एग्जाम्पल्स आपको ध्यान में रखने हैं मोनोकोट्स के अंदर या एकबीजपत्रियों के अंदर जो कि वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो गए। उसके बाद हम लोग करेंगे कि जो स्थूलकोण उत्तक है या कोलेनकाइमा है वो कितने टाइप का होता है। तो इसको आगे 3 टाइप्स के अंदर या 3 प्रकारों के अंदर विभाजित किया गया है। कोणीय स्थूलकोण उत्तक, या इसको बोलते हैं एंगुलर कोलेनकाइमा। दूसरा है स्तरित स्थूलकोण उत्तक, या इसको बोलते हैं लैमिलर कोलेनकाइमा, या इसको ट्यूबुलर कोलेनकाइमा के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा है रिक्तिकामय स्थूलकोण उत्तक, या इसको लैकुनर कोलेनकाइमा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्या होते हैं, इनकी स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है वो हम लोग देखते हैं अभी। सबसे पहले हम बात करेंगे कोणीय स्थूलकोण उत्तक की या एंगुलर कोलेनकाइमा की। तो इसमें क्या है, जो सेल्स होती हैं इसकी या कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं, पूर्णतया
गोलाकार होती हैं या कम्प्लीटली क्या होती हैं, स्फेरिकल होती हैं। तो गोलाकार कोशिकाएं हैं, स्फेरिकल सेल्स हैं, वो एक दूसरे के साथ स्पर्श करती हैं या एक दूसरे को टच किए हुए रहती हैं। इससे होता क्या है भाई, जो अंतराकोशिकीय अवकाश बनते हैं या इंटरसेलुलर स्पेसेस बनते हैं वो किस आकृति के बनते हैं, एंगुलर शेप के बनते हैं या कोणाकार आकृति के बनते हैं, ठीक है। और इन्हीं कोणाकार आकृति के अंतराकोशिकीय अवकाशों में या हम कह सकते हैं एंगुलर शेप के इंटरसेलुलर स्पेसेस में पैक्टिन का जमाव हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो कोलेनकाइमा बनेगा इसको क्या बोलेंगे, एंगुलर कोलेनकाइमा या कोणीय स्थूल कोण उत्तक। उदाहरण या एग्जाम्पल की बात करें तो ये जो कोलेनकाइमा है या स्थूल कोण उत्तक है ये सामान्य प्रकार का होता है ना, यानी नॉर्मल टाइप का होता है, जो लगभग सभी द्विबीजपत्री पौधों में पाया जाता है। ऑलमोस्ट जितने भी डाइकोट प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे उन सभी में जो कोलेनकाइमा या स्थूल कोण उत्तक होता है वो किस प्रकार का होता है, एंगुलर या कोणीय प्रकार का होता है, ठीक है। तो इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो भी सेल्स या कोशिकाएं हैं वो कैसी हैं, एग्जैक्टली गोलाकार है, स्फेरिकल है और एक दूसरे के साथ ये जुड़ी हुई है। तो एक दूसरे के साथ जुड़ने की वजह से इनके बीच में जो अंतराकोशिकीय अवकाश बनते हैं या इंटरसेलुलर स्पेसेस बनते हैं वो कैसे होते हैं, एंगुलर या कोणीय होते हैं। और इन एंगुलर या कोणीय अंतराकोशिकीय अवकाशों के अंदर जो पैक्टिन है उसका जमाव हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये टिश्यू क्या कहलाता है, कोलेनकाइमा या स्थूल कोण उत्तक। तो इसको बोलेंगे एंगुलर कोलेनकाइमा या कोणीय स्थूल कोण उत्तक। दूसरा है स्तरित स्थूल कोण उत्तक, या इसको बोल देते हैं लैमिनर कोलेनकाइमा या ट्यूबुलर कोलेनकाइमा। अब ये क्या होता है भी? इसमें भी जो कोशिकाएं हैं या सेल्स हैं वो क्या होती हैं, एग्जैक्टली गोलाकार होती हैं या स्फेरिकल शेप की होती हैं, लेकिन ये जो सेल्स या कोशिकाएं हैं ये एक दूसरे से दूर दूर स्थित होती हैं, यानी कि इनके बीच की जो दूरी है या डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इससे होता क्या है अभी, लार्ज साइज के इंटरसेलुलर स्पेसेस बन जाते हैं, बहुत बड़े बड़े आकार के अंतराकोशिकीय अवकाश जो हैं वो बन जाते हैं। और ये जो अंतराकोशिकीय अवकाश बने हैं बड़े बड़े, इनमें पैक्टिन का जमाव हो जाता है, ठीक है। और ये जो पैक्टिन का जमाव इनमें हो रहा है वो किस प्रकार का लगता है, जैसे लैमिली या ट्यूबुल्स हों, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, लैमिनर कोलेनकाइमा या ट्यूबुलर कोलेनकाइमा, ठीक है। तो इसमें इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो सेल्स कैसी हैं भी, एग्जैक्टली गोलाकार हैं या स्फेरिकल हैं, जो कि एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर स्थित हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई नहीं है या अटैच नहीं है। तो इनके बीच में बड़े बड़े आकार के इंटरसेलुलर स्पेसेस या अंतराकोशिकीय अवकाश बन गए हैं। और इनके बीच में क्या होता है भी, ये देख सकते हो आप ऑरेंज कलर से मैंने शो किया हुआ है इसको, ये क्या है, पैक्टिन है, ठीक है। और ये पैक्टिन के लैमिली या ट्यूबुल्स लग रहे हैं, इसलिए इसको लैमिलर कोलेनकाइमा या ट्यूबुलर कोलेनकाइमा बोल देते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें एक ही उदाहरण आता है, हेलियंथस यानी सनफ्लावर या सूरजमुखी जिसको बोलते हो। तो सनफ्लावर या सूरजमुखी का जो तना होता है या स्टेम होता है उसके अंदर इस प्रकार का जो कोलेनकाइमा या स्थूल कोण उत्तक है वो आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद तीसरा टाइप आता है रिक्तिका में स्थूल कोण उत्तक, या इसको बोल देते हैं लैकुनर कोलेनकाइमा। तो ये जो कोलेनकाइमा है वो स्तरित स्थूल कोण उत्तक के समान ही होता है, यानी कि इससे पहले वाला जो हमने किया है ये वाला लैमिनर कोलेनकाइमा या जो ट्यूबुलर कोलेनकाइमा हमने किया है बिल्कुल इसी के समान ही लैकुनर कोलेनकाइमा भी होता है। लेकिन यहाँ पर जो पैक्टिन का जमाव जो है या पैक्टिन का जो डिपोजिशन है वो इस तरह से होता है कि इसके बीच बीच में गुहाएं बन जाती हैं या कैविटीज बन जाती हैं, ठीक है। बीच बीच में क्या होगा, कैविटीज या गुहाएं बन जाती हैं। और इन गुहाओं को क्या कहा जाता है, रिक्तिकाएं, या इसको इंग्लिश में बोलेंगे लैक्यूने। तो रिक्तिकाएं या लैक्यूने बन जाती हैं, इसीलिए इस कोलेनकाइमा या स्थूल कोण उत्तक को रिक्तिका में स्थूल कोण उत्तक या लैकुनर कोलेनकाइमा कहा जाता है, ठीक है। तो इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो ये गोलाकार या स्फेरिकल शेप की सेल्स हैं जो कि एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर स्थित हैं, जिसकी वजह से क्या है अभी, इनके बीच में बड़े बड़े इंटरसेलुलर स्पेसेस या अंतराकोशिकीय अवकाश बन जाते हैं। इन इंटरसेलुलर स्पेसेस या अंतराकोशिकीय अवकाशों में फिर पैक्टिन का जमाव होता है, लेकिन पैक्टिन का जमाव जो है वो लैमिली के रूप में होता है। और इस प्रकार से होता है कि इनके बीच में गुहाएं, इस प्रकार से आप देख सकते हो ये गुहाएं हैं या
रिक्तिकाएं, या इसको बोल देते हैं लैकुनी, रह जाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या बन जाता है, लैकुनर कोलेनकाइमा या रिक्तिकामय स्थूलकोण ऊतक बन जाता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल या उदाहरण की बात करें तो ये बहुत ही कम पौधों के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, बहुत ही रेयर प्लांट्स के अंदर ये देखने को मिलता है। तो इसमें दो प्लांट्स के नाम आपको ध्यान में रखने हैं, एक तो है एम्ब्रोसेरा, ठीक है, और दूसरा है साल्विया। तो ये इन दोनों पौधों के अंदर इनका जो स्टेम होता है, तना होता है, जो उसके अंदर लैकुनर कोलेनकाइमा पाया जाता है। उसके बाद है स्थूलकोण उत्तक के कार्य या फंक्शंस ऑफ कोलेनकाइमा। तो कोलेनकाइमा या स्थूलकोण उत्तक जो है वो कौन कौन से कार्य करता है। इसका जो प्राइमरी फंक्शन है या प्राथमिक कार्य है वो क्या होता है, अभी द्विबीजपत्री तना और जो पत्तियां होती हैं है ना, या डाइकोट स्टेम एंड लीव्स होती हैं, या जो ट्विग्स होती हैं उसकी टहनियां होती हैं, उनको तनन सामर्थ्य प्रदान करना, यानी टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, ताकि जब हवा का तेज बहाव हो तो उस टाइम पे जो टहनियां हैं है ना, या पत्तियां जो हैं, या फिर जो मेन स्टेम है, मुख्य तना है, वो आसानी से टूटे नहीं। ठीक है, तो ये इसका प्राथमिक कार्य है या प्राइमरी फंक्शन होता है। दूसरा कार्य हम लोग देख लेते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जो कोलेनकाइमा या स्थूलकोण ऊतक है ये कैसा होता है, लिविंग टिश्यू है या जीवित ऊतक है। इसका मतलब इसकी कोशिकाएं या इसकी सेल्स कैसी होती हैं, लिविंग या जीवित होती हैं। तो जीवित कोशिकाएं जो हैं वो भोजन सामग्री को संग्रहित करने का कार्य करेंगी, यानी फूड मटेरियल को स्टोर करती हैं। तो ये इसका दूसरा फंक्शन होता है। ठीक है, उसके अलावा जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं, यानी कि जो डाइकोट प्लांट्स होते हैं, उनमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है या द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। ठीक है, तो द्वितीयक वृद्धि के टाइम पर दो तरह के कैम्बियम रिंग्स या एधावल्यों का निर्माण होता है। एक तो होता है कॉर्क एधावल्य, जो कि सबसे बाहर की तरफ बनता है, और दूसरा होता है वास्कुलर कैम्बियम रिंग, या उसको हिंदी में बोल देते हैं संवहन पूल एधा, है ना, या संवहनी एधा वल्य बोल देते हैं उसको। तो दो तरह के वल्य या दो तरह के रिंग बनते हैं, कैम्बियम या एधा के। अब जो बाहर वाला रिंग होता है, जिसको कॉर्क कैम्बियम रिंग या कॉर्क एधा वल्य भी बोलते हैं, उसकी जो उत्पत्ति है या उसका जो ओरिजिन है वो कहाँ से होता है, भी स्थूलकोण ऊतक की कोशिकाओं से होता है, यानी कोलेनकाइमा की सेल्स से उसकी ओरिजिन होती है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, जो एकबीजपत्री पौधे होते हैं या मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं, उनमें जो हाइपोडर्मिस पाई जाती है, यानी कि जो एपिडर्मिस के ठीक नीचे जो हाइपोडर्मिस उपस्थित होती है, उसमें दृढ़ोतक पाया जाता है, यानी उसमें स्क्लेरन काइमा पाया जाता है। और दृढ़ोतक या जो स्क्लेरन काइमा है उसकी कोशिकाएं कैसी होती हैं, मृत या डेड होती हैं। ठीक है, तो मृत दृढ़ोतक मृत कोशिकाओं का बना होता है, डेड सेल्स का बना होता है। और अगर कोशिकाएं मृत हैं, डेड हैं, तो इस प्रकार की सेल से या कोशिकाओं से कभी भी कॉर्क एदा का निर्माण नहीं हो सकता, है ना। कॉर्क कैम्बियम का जो फॉर्मेशन है वो कभी भी डेड सेल से नहीं होगा। तो इसका मतलब कॉर्क कैम्बियम एक बीजपत्री पौधों के अंदर या मोनोकॉट प्लांट्स में नहीं बन सकते। ठीक है, तो इस प्रकार जो एक बीजपत्री पौधे होते हैं या मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं, उनमें सामान्य द्वितीयक वृद्धि न होने के तीन कारण हैं, है ना। जो एक बीजपत्री पौधे हैं या मोनोकॉट प्लांट्स हैं, उनमें जो नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ है वो नहीं होती है। तो उसके न होने के तीन कारण हो सकते हैं या तीन मेन कॉजेज हो सकते हैं। सबसे पहला क्या है, अभी अंतर संवहनी एदा का अभाव, है ना, या इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम इज एब्सेंट। इसका क्या मतलब है, जो संवहन पूल होते हैं है ना, या वास्कुलर बंडल्स होते हैं, उनके अंदर जाइलम, फ्लोएम और एधा, ये जिसको कैम्बियम भी बोल देते हैं, तीन चीजें उपस्थित होती हैं। तो वास्कुलर बंडल के अंदर या संवहन पुल के अंदर जो एधा या कैम्बियम होती है, उसको क्या बोल देते हैं, अंतर संवहनी एधा या इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। तो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम या अंतर संवहनी एधा का उपस्थित होना अनिवार्य है। ठीक है, अगर ये उपस्थित होगी तभी सेकेंडरी ग्रोथ या द्वितीयक वृद्धि हो सकती है। जबकि एकबीजपत्री पौधों के अंदर या मोनोकॉट प्लांट्स में जो इनके वास्कुलर बंडल्स होते हैं या संवहन पुल होते हैं, उसके अंदर एधा या कैम्बियम का पूर्णतया अभाव होता है। ठीक है, तो पहला कारण ये होता है कि जो एकबीजपत्री पौधे हैं या मोनोकॉट प्लांट्स हैं, उनमें सेकेंडरी ग्रोथ या द्वितीयक वृद्धि नहीं होती। दूसरा, स्थूलकोण ऊतक का अभाव, है ना, जो हाइपोडर्मिस है उसके अंदर कॉर्क
कोलेनकाइमा नहीं होता, बल्कि क्या होता है, स्क्लेरेनकाइमा होता है। ठीक है, तो स्थूल कोण उत्तक नहीं होने की वजह से द्वितीयक वृद्धि या सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो पाती है। ठीक है, और तीसरा है मृत हाइपोडर्मिस की उपस्थिति। जो हाइपोडर्मिस है वो डेड होगी, और डेड सेल से कभी भी कैम्बियम या कॉर्क कैम्बियम की उत्पत्ति जो है वो नहीं हो सकती। तो ये तीन कारण होते हैं जिसकी वजह से एकबीजपत्री पौधे जो हैं या मोनोकॉट प्लांट्स जो हैं उनमें नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है या सामान्य द्वितीयक वृद्धि नहीं हो पाती है। तो ये था भी अपना आज का लेक्चर।